तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें एमोडेव टीएम टैबलेट के बारे में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तब। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं या कब आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसकी सावधानियां लेनी चाहिए जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं आपको लेना चाहिए, और जैसे कि फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहता है मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एमोडेव टीएम टैबलेट को अगर देखा जाए तो एफडीसी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल ऐड किए गए, एक टेलमिसर्टन 40 mg है, एक अम्लोडेपिन 5 mg है, एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर और दूसरा एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये दोनों ही इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो जब आप इसे ले रहे हैं तो ये चीज़ें ना करें, जैसे कि अगर आप अल्कोहलिक है तो अल्कोहल बंद कर दें, ना लें। और जैसे कि अगर आपका लीवर से जुड़ी समस्या है तो आप डॉक्टर से जरूर इसके बारे में कंसल्ट करें, ताकि जो डोज है वह आपका एक अच्छे से डॉक्टर आपको रिकमेंड करे जो आपके हिसाब से। तो ये दो चीज़ें आप करें। और जैसे कि इसका इस्तेमाल जैसे आप करते हैं तो फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जैसे कि आपका स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोनों मॉलिक्यूल का अगर वर्क देखा जाए तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि जो आपके ब्लड वेसल्स रहते हैं उससे नॉर्मलाइज करते हैं, रिलैक्स पहुंचाते हैं, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपके ब्लड वेसल्स से वह आसानी से हो। तो अगर ये जब हो जाता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स आपका रिलैक्स फील करने लगता है, तो आपका जो ब्लड फ्लो रहता है वह आसानी से होने लगता है ब्लड वेसल से, ताकि जो आपका जो हार्ट रहता है वो अच्छे से पंपिंग करने लगता है, वो अच्छे से चलने लगता है। तो जिसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर और लो प्रेशर में हो, दोनों ही मॉलिक्यूल मिलके आपके जो ब्लड रहता है उसके फ्लो को बढ़ाते हैं ब्लड वेसल्स में, और ब्लड के मसल्स को जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उससे रिलैक्स पहुंचाते हैं। तो इस तरह से दोनों वर्क करते हैं। और जैसे कि आप इसे खाना खाने के बाद ही लेना है, जब डॉक्टर आपको बताए तभी, और इसे छोड़ने से पहले आप बंद करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से भी जरूर इसके बारे में कंसल्ट करें, तभी इसको बंद करें। नहीं तो अगर आप खुद से बंद करते तो हो सकता है फ्यूचर में और भी कॉम्प्लिकेशन आपको खड़ी हो जाए। तो ये मेडिकल में मिलता है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप इसे ज़्यादा ले रहे हैं और जो डॉक्टर का रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा लेने लगे तो हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपको नींद ज़्यादा होगी और एंकल में स्वेलिंग होगा, सर दर्द होगा, थकावट सी महसूस होगी, टायर्डनेस होगा, पल्पिनेशन होगा, मतलब बॉडी शेकिंग होगी आपकी, आपका पेट खराब होगा जिसमें आपको बाथरूम वगैरह जाना पड़ जाए बार बार, तो पोटेशियम लेवल भी बढ़ सकता है जिसकी वजह से आपका ब्लड जो लेवल है वह स्लो डाउन हो जाएगा, तो और भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी लें डॉक्टर की सलाह से लें इसे।